आल पाकिस्तान अफेक्टेड एम्प्लॉयज एक्शन कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद जुनेद आवान और सदर मोहम्मद यासीन अलमानी की सरबराही में वफाकी इदारों से निकाले जाने वाले मुलाजमीन को नौकरी पर बहाल कराने के हक में मुजाहरा किया गया, जिसमें पाकिस्तान भर के तमाम मजदूर रहनुमाओं ने सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी से अब्दुल कादिर खान मंदोखेल कमेटी के अहकाम और मौजूद स्पीकर कौमी असम्बली की दौरान इजलास रूलिंग पर फौरी तौर पर सदारती ऑर्डिनेंस जारी करने का मुतालबा किया है और तौहीन पार्लियामेंट बिल को वजीर आजम ऑफिस से मंगवा कर मंजूरी के बाद लागू किया जाने का भी मुतालबा किया है, ताकि पार्लियमान और पार्लियमान की बनाई गई पार्लियामेंटी कमेटियों की इज्जत और वक़ार में इजाफा हो सके। इस हवाले से चेयरमैन जुनेद आवान का कहना था कि 72 वफाकी इदारों और एपेक फोरम से जुड़े हुए 28 इदारों के तकरीबन 4 लाख से ज़ायद मुतासर बरतरफ मुलाजमीन की तंजीम एपेक फोरम के रहनुमाओं अब्दुल कादिर खान मंदोखेल, साबिका MNA और साबिका चेयरमैन खसूसी पार्लियामेंट कमेटी और सरपरस्त आला एपेक करामत अली पाइल्स और चेयरमैन मोहम्मद जुनेद आवान, सदर मोहम्मद यासीन अलमानी, सीनियर मलिक जफर एजाज, जनरल सेक्रेटरी आदिल खान, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सईद खान सवाती, मरकजी सेक्रेटरी वुमेन लेडीज विंग मैडम सुम्बल आरिफ और एपेक के सीनियर मेंबर आरिफ रोहिला और दीगर ने कहा कि थर्ड पार्टी वफाकी मुलाजमीन को मुस्तकिल करने के सिलसिले में कौमी असम्बली बिलखसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान समेत मौलाना असद साहब, जिन्होंने मुतालबात के हल से मुतालिक हमसे वादे किए, वो तमाम वादे रिकॉर्ड पर भी मौजूद हैं जो कि अब तक पूरे ना हो सके। इस हवाले से चेयरमैन जुनेद आवान ने खिताब करते हुए बताया, अगर आप पाकिस्तान मजदूर तहरीक की तरफ देखें तो सबसे पहले जो इसकी क़यादत की थी वो कायद अजम मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, फिर फैज़ अहमद फैज़ ने की, फिर बाद में दरमियान में कुछ वक्फा आया, फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई और पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने यह साबित किया कि वो मज़दूरों की एक वाहिद नुमाइंदा पार्टी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब पता नहीं क्या मजबूरी है पीपल्स पार्टी के आगे भी और बाकी लोगों के आगे भी, कि ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं प्राइवेटाइजेशन और निजकारी और मज़दूरों को उनके हकूक़ पूरे अदा नहीं किए जा रहे। ये कह रहा हूँ ना कि अगर पीपल्स पार्टी ने जितनी तादाद में इस दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट मिले हैं, अगर उन्होंने इसी तरह की मज़दूरों का सहारा दिया और दोहरी पॉलिसी रखी, तो मैं समझता हूं कि ये मौका जो है वो पीपल्स पार्टी के लिए आखिरी मौका होगा। दरअसल में मेरा नाम यासीन अलमानी है और मैं आल पाकिस्तान अफेक्टेड एम्प्लॉय एक्शन कमेटी का सदर हूं। देखिए, जहां तक हमारी जो मेहनत कशों की कोशिश होती है, हम तो लीड रन कर रहे होते हैं, लेकिन अब तक भी जो हमारा मज़दूर है वो घरों में सोया हुआ है। तो मेरी उनसे भी दरख्वास्त होगी कि जब भी कोई एहतजाज हुआ करे तो मेहरबानी करके आप तशरीफ लाया करें, क्योंकि आपकी जो है वो बात आला ईवानों तक सुनी जाती है और जो भी आला ईवान हैं वो ये चीज़ें नोट ज़रूर करते हैं कि आपके मज़दूर कितने आपके साथ हैं। तो बराए मेहरबानी करके आइंदा के लिए जो है ना इन चीज़ों का ख्याल किया जाए और इसी हवाले से जो नदीम सिद्दीकी, मेट्रो 7 पाकिस्तान।